एपिसोड नंबर 288 288 रावण की आज्ञा का अक्षरशः पालन हुआ, किंतु कपड़ा लपेटते घी तेल लगाते हनुमान की पूंछ लंबी होती गई। नगर के भंडार खाली हो गए। नगर में घुमा फिराकर जब पूंछ में आग लगाई गई तो हनुमान ने लघु रूप धारण किया और अटारियों पर जा चढ़े। 49 पवन चले, पवन पुत्र जैसे आकाश छू रहे हों। सारा नगर धू धू कर जल उठा। नगर वासियों में त्राही त्राही मच गई। पार्वती को ये कथा सुनाते हुए भगवान शंकर कहते हैं, जिन्होंने अग्नि की रचना की हनुमान उन्हीं के दूत थे। स्वयं उन पर अग्नि का कोई प्रभाव नहीं हुआ। उलट पलट कर हनुमान ने सारा नगर जला दिया और तब जाकर समुद्र में कूद पड़े। तत्पश्चात वे सीता के सम्मुख उपस्थित होते हैं। हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरुत उनचास, अट्टहास करि गर्जा कपि बढ़ि लाग आकास। महरुवाई मंदिर ते मंदिर चढ़ाई, जरई नगर भालोग बिहाला छपट लपट बहु कोटि कराला। अनल जही सिर जा, जरा न सोते ही कारण गिर जा। उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदी परापुनि सिंधु मझारी। पूछ बुझाई खोई श्रम लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाढ़ भय कर जो। तू मोही
चुचिन्हा जैसे रघुनायक मोहितिन्हा जनक सुत ही समुझाय करी बहु विधि धीर जुदीन चरण कमल सिरुनाई कपि गवनु राम पहिकी महाधुनि गर्ज सिभारी गर्भ सवही सुनि निसिचर नारी नागि सिंधु एहि पार ही आवा सबद किली किला कपिन सुनावा सकल अति भय सुखारी कलपत मीन पाव जीवी बारी चले हर्ष रघुनायक पासा पूछत कहत नवल इतिहासा प्रभा